रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज हर खबर पर नजर। मैं हूं नवीद खान। भागमल ज्वेलर्स की लूट का वांछित 50,000 का इनामी अजय थाना मेडिकल पुलिस के साथ मुठभेड़ में बीती रात घायल और गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें 8 सितंबर 2020 को दिन दहाड़े जागृति विहार में भागमल ज्वेलर्स के यहां लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही भागमल ज्वेलर्स के मालिक अमन जैन की हत्या भी कर दी गई थी, जिसका एक और अभियुक्त अजय पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में अजय ने भागमल ज्वेलर्स के यहां लूट में संलिप्त होने की बात कबूल की है। अभियुक्त 50,000 इनामी अजय के पास से एक बाइक, एक कट्टा 315 बोर और भारी मात्रा में जिंदा खोके कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही भागमल ज्वेलर्स के यहां लूट हुई चांदी भी पुलिस ने बरामद की है अभियुक्त अजय से। बीती रात 8 बजे के आसपास ये मुठभेड़ हुई है। घायल अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है और पूर्व में भी इस पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज पहले से ही दर्ज हैं। आइए देखिए पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं एसपी सिटी मेरठ डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। सर, थाना क्षेत्र मेडिकल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, सर क्या मामला पूरा? थाना मेडिकल के अंतर्गत 8 सितंबर को भागमल ज्वेलर्स के यहाँ लूट की घटना कारित करते समय उसके मालिक अमन जैन की हत्या भी बदमाशों के द्वारा कर दिया था। उसी घटना से संबंधित एक अभियुक्त जिस पर 50,000 रुपये का इनाम है अजय, आज पुलिस मुठभेड़ में मेडिकल थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा जागृति विहार एक्सटेंशन में रात्रि लगभग 8 बजे पुलिस की गोली से घायल हुआ है। इसने प्राथमिक पूछताछ में घटना में सम्मिलित होना कबूल किया और इस बदमाश के कब्जे से एक बाइक, तमंचा, काफ़ी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस और भागमल ज्वेलर्स के यहाँ से लूटे हुए चांदी के कुछ आभूषण बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, इस पर लगभग एक दर्जन अभियोगपुर से पंजीकृत हैं। इस अपराधी को तत्काल इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ में।